Daily Bulletin is presented by KBN University, United Degree College and by SS Tegnur PU and Degree College. शुरुआत करते हैं कोविड 19 के केसेस से। 161 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं, साथ साथ 83 डिस्चार्ज या क्योर केसेस, दो नए डेथ शामिल हैं आज की इस बुलेटिन में। टोटल डिस्चार्ज की अगर बात करें तो 13,986 हैं। एक्टिव केसेस की अगर बात करें तो 2,740 केसेस एक्टिव हैं और डेथ्स की अगर बात करें तो 276 डेथ्स हुए हैं गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में। सीतापुर से खबर आप तक ला रहे हैं जहां पर गांजे को सीज किया गया। जी हां, 410 किलो गांजा मिला जिसके अंदर फूल बीज और पत्ते शामिल है गांजा के। कुल मिला के 6010 यहां पर झाड़ियां मिली जिसकी वैल्यू बताई जा रही है 410,000 रुपए। जी हां, PSI चितापुर और एंटायर चितापुर PS का ये बहुत बड़ा स्टेप है जिसमें ये बड़ी कामयाबी मिली है। चितापुर के अल्लूर बी विलेज सर्वे नंबर 431 और 432 का ये मामला है। जी हां, नीलूर विलेज की अगर बात करें तो उनका प्रॉब्लम ये है कि जो टनल है एंट्रेंस की जहां पर रेलवे ट्रैक है वो रास्ता बहुत ही छोटा, जिसकी वजह से कोई हैवी ट्रक या कोई बड़ी गाड़ी वहां पर नहीं आ सकती, यहां तक कि एम्बुलेंस तक भी नहीं आ सकती। तो चलते 12 साल से कोशिश करते आ रहे हैं, आज मामला सर के ऊपर जा चुका है और सारे लोगों ने मिलकर स्ट्राइक किया एडमिनिस्ट्रेशन से और लीगली क्या क्या फाइट करना है वो फाइट कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई रिजल्ट उन्हें नहीं मिला। आइए देखते हैं नीलूर के लोग इस बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। रात हो जाती बेटन पे बस आ जाती है और अकेले के अंधेरे में कैसे आएंगे हम लेडीज जैसे, बताओ। ब्रिज के वास्ते रोक करे सो है, हमारे को रास्ता होना। पिछले 12 साल से जो तकलीफ हो रही है ना, यहाँ नीलूर में ना कोई बस आ सक रही ना कोई एम्बुलेंस आ सक रही और दरगाह को जायरीन को इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है कि 1 किलोमीटर दूर अगर बड़ी गाड़ी आई लारी आई 1 किलोमीटर दूर वहाँ पे ठहरा करके वहाँ से पैदल आना पड़ रहा है यहाँ पे। रात में अगर कुछ इमरजेंसी रही पेशेंट भी रहा तो वहाँ तक लेके जाना पड़ रहा, वहाँ से एम्बुलेंस मिलते, ऐसा रहा तो नहीं होता। हम पूरा ऑफिशियल वर्क तो पूरा है, हर ऑफिस को गए हर पॉलिटिशियन से मिले, हमारा काम नहीं हो रहा। जब MP साहब खड़गे था ना, जब भी दिए, बाद में सरड़ी साहब को दिए पहले, बाद में खड़गे साहब को दिए, उसके बाद में अभी यादव साहब को दिए और DRM के साथ सोलापुर में मीटिंग हुआ। हमारा मेन क्या है, इधर एक 500-600 एकड़ जमीन है। हम मेन हमारा क्या है, खेत बाड़ी है, इधर पटरी के बाजू में एक 500-600 एकड़ जमीन है। हम शुगर कैन गन्ना लेके जाने के वास्ते हमारा लारी जाता नहीं और यहाँ से गुलबर्गा जाना बोले तो 30 किलोमीटर है। इसीलिए हम पार्टी के ऊपर 6 बजे हमारा लड़के लोग ऊपर 1-2 किलोमीटर चल के हम बस में बैठ के जाना पड़ता है। हाल ही में मोइनाबाद रेप केस के चालक से गुलबर्गा शहर के अंदर भी RS के NGO ने एक बहुत बड़ी स्ट्राइक की DC ऑफिस पर। आइए देखते हैं इसमें प्रेसिडेंट राफे शिरीन इस बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। सर, तेलंगाना गवर्नमेंट से हमारी एक ही डिमांड है, जल्द से जल्द जो माइनर लड़की के साथ रेप हुआ है वहाँ पे, मधु नामी यादव ने रेप किया है, कल गिरफ्तार भी हुआ है, लेकिन गिरफ्तार करके सिर्फ उनको वहाँ पर सैर तफरी के लिए मत ले जाइए। ऐसे कितने रेपिस्ट है जो हमारे इंडिया में अभी भी मौत के लिए इंतजार कर रहे हैं, उन्हें सजाए मौत नहीं दी गई। तो मेरी एक ही डिमांड है, जल्द से जल्द मधु यादव को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में केस चलाकर उसे फांसी की सजा देनी चाहिए। उसको या तो फांसी की सजा दो या उसको शूट करो, जैसा कि पिछली बार हैदराबाद में जो डॉक्टर के साथ हुआ था, इमीडिएट जो भगा के शूट करे थे, वैसा ये दरिंदे को ये कमीने नीचे कुत्ते को भी इसी तरह शूट करो। और इसमें मैं हुकूमत से आंध्रा की हुकूमत और कर्नाटक दोनों हुकूमत से कहूंगी, इसमें बिल्कुल भी देर मत कीजिए। जैसा कि 10 साल उनको अंदर रख के कुत्तों जैसा खिला के उनको मोटा फुला के बाद में उनको सजाए मौत नहीं, इमीडिएट उनको सजा देना। ये हम एक औरत होने के नाते ये चीज़ बोल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर्स को भी ये हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है, हमारा मैसेज आ रहा है, तो इमीडिएट उन्होंने इसके ऊपर एक्शन लेना। नेशनल हेल्थ मिशन के एम्प्लॉयज ने स्ट्राइक की DHO ऑफिस के बाहर। उनकी डिमांड है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उन्हें लिया गया है, लेकिन वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें परमानेंट नौकरी मिले। कई सालों से लोग काम करते आए, चाहे वो डेटा ऑपरेटर्स रहने दो, डॉक्टर्स रहने दो या लैब टेक्नीशियंस रहने दो, लेकिन नेशनल हेल्थ मिशन जो कर्नाटक गवर्नमेंट का है 30,000 के करीब इसमें एम्प्लॉयज हैं, वो लोग चाह रहे हैं कि उन्हें परमानेंट नौकरी का एक बड़ा एडवांटेज मिले। आइए देखते हैं स्ट्राइक के अंदर क्या हुआ।
ना सेलम जिले समुदाय आरोग्य अधिकारी केस से सल्ता ना कूड़ा गुतिके नौकर कार्यक्रम निर्वहिता सतत आर दिन काल ना नम समान वेतन समान श्रेणी ना वो होराटता यह होराटली नमेल स्टाफनर्स आगेबूबंदी हद्द वर्ष भाड़ तारतम्य है ना तारतम्य अरे वेतन श्रेणी नमु तारतम्य आगबार् या समान वेत के समान श्रेणी बे दयमा नानवत मान्य मुख्यमंत्री नम आरोग्य सचिव श्रीरामरवरली नम वैद्यक सचिव के सुधाकर विनय मनती विनतीन दयमा नमन दिन नहीं जीतदा दुड़कोती दयमा नमें समान वेत के समान श्रेणिया को क्या सेवा भद्रते भी नहीं है और पेमेंट भी इक्वल पेमेंट नहीं है और कोविड में इसमें ड्यूटी कर रहे हैं 24/7 में तो उनको भी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहे गवर्नमेंट तो इसलिए हम स्ट्राइक कर रहे हैं 6 दिन से स्ट्राइक कर रहे हैं तो हमारे को हमारा मांगे पूरे करना सर गवर्नमेंट 10,000 सैलरी में क्या होता हमारे को वही होना हमारे को इक्वल पेमेंट देना और सेवा भद्रते देना हम लोगों को। कोविड-19 चलते हुए एक नया ब्रेक थ्रू के बारे में हम बात कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कोविड-19 का जो ऑफिशियल टेस्ट होता है वो RT-PCR टेस्ट होता है जिसे काफ़ी टाइम लगता है। जी हाँ, लेकिन अब इक्विन एक स्टार्टअप कंपनी है जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की तरफ से अप्रूव होकर एक काम कर रही है और उन्होंने एक नई किट बनाई है जिसकी वजह से रिजल्ट सिर्फ 1.5 से 2 घंटे में आ सकता है। जी हाँ, ये ऐसा आने से काफ़ी सारे टेस्टिंग बढ़ सकती है और रिजल्ट जल्दी आ सकते हैं उसको चलते हुए कोविड-19 की इस पैंडेमिक के ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, इक्विन अब अलग अलग कंपनी से और इंडस्ट्री से बात करी ताकि इसे मास तरीके से प्रोड्यूस किया जाए और लोगों तक इसे पहुंचाया जाए। As I already said, the kit is likely to take less than 2 hours, and that is going to be important. But you know, there is a need for many more kits because the testing in our country is required to be increased, and as a result, there is a lot of requirement for efficient kits. The unique thing is how do we create a kit which does not compromise quality and give very accurate results and at the same time give it faster, and that is what we have tried to do. There are so many factors that play a role in it, and I think every new company that will come out with kits will hopefully do better than the previous one. In the end, we have to help the country, we have to help and fight this COVID-19 pandemic, and this will be a continual process. I think as we are learning more and more about the disease, the testing challenges, as well as the spread, better and better methods are going to come out, and I hope somebody will do better than us and then come out with a kit which will instantly tell us how whether or not a person has COVID. And we are also working towards even faster kits in the market that will come out in the market in months to come. It is less than 2 hours it will take, but the mechanism is a bit complex to explain in a short time, I think, but there are many factors that play a role in this. I think more important part, I think, is that in the process of cutting down time, we should not compromise the quality, and that is what we have tried to balance. GoHaz.in को सपोर्ट करें and let's go far यानी fast, accurate, reliable. जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज डू सपोर्ट GoHaz.in एंड लेट्स गो फार। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय KBN यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड डिग्री कॉलेज एंड बाय SS तेगनूर PU एंड डिग्री कॉलेज। उम्मीद करते हैं आपको हमारा डेली बुलेटिन पसंद आ रहा होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि आपको मिले हर अपडेट वेरी क्विकली। इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करें और ट्विटर पे भी हमें फॉलो करें GoHaz Networks पे।